धर्मावलंबियों लोगों में एक बड़ी मानवता, पूछो क्या। नमस्कार मित्रों, मैं आपका भाई छोटा और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से सभी को अपने बागेश्वर धाम महाराज जी के श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी की सेवा करता हूं और बालाजी के चरणों में ध्यान आपका लगाने का प्रयास करता हूं। तो बने रहिए मेरी यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि आज मैं आपको दिखा रहा हूं बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी विदेश की धरती में, धरती पर पहुँच के क्या कर रहे हैं और किस टाइम कहाँ पर हैं, दोनों भाई कहाँ पर हैं, राम और लक्ष्मण की तरह कैसे इनका मेल झोल है भाइयों का और कैसे कहाँ पर है इस टाइम। आपने वीडियो के माध्यम से शुरू में देखा होगा और मैं आपको इस वीडियो पूरी वीडियो दिखाऊंगा। आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी वीडियो दिखाऊंगा जितनी लंबी वीडियो है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में प्यारा से कमेंट कर देना। अगर आपको कोई समस्या है तो समस्या अपने मन ही मन दोहरा सकते हैं और भगवान आप पर कृपा करेंगे, बालाजी कृपा करेंगे। और आप भी अर्जी अपने घर बैठे लगा सकते हैं, आप अपने मन की मनोकामना, अपनी जो समस्या घर बैठे बता सकते हैं बिना टोकन के, बिना दरबार लगने वाला है बागेश्वर धाम का। तो आइए दिखाते हैं आपको थोड़ी सी हमारी भारत भूमि में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ये मॉरिशस है, विदेश है, यहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी पर भारत है। ये देखा महाराज जी का, आपने जो वीडियो देखा बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी क्या चाहते हैं हमारे भारत में, हिंदुस्तान में जो भी है, जिनके भी घर है, तो बालाजी का दरबार या बालाजी का स्थान, बालाजी का यह मूर्ति हमारे घर के सामने हो, घर के आगे हो, गेट पर हो, ताकि बालाजी जब गुजरें और बागेश्वर धाम या कहीं से राम श्री गुजरें तो क्या कहें, क्या आनंद है। तो वैसे ही विदेश में भी आज ये छवि देखने को मिली बागेश्वर धाम महाराज जी को, श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी को, तो वो भी महाराज जी इसी यूपी में, भारत में भी यही चाहते हैं, हिंदुस्तान में भी यही चाहते हैं। हमारे बागेश्वर धाम का यही नारा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो आप राम के बनिए और सभी के काम के बनिए, क्योंकि आप भी अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए और सनातन धर्म को दिखाने के लिए, जोर दिखाने के लिए आप अपनी छतों पर लाल ध्वजा लहरा सकते हो, झंडा लगा सकते हो आप भी, और अपने भगवाधारी झंडा लहरा सकते हो, लगा सकते हो छतों पर, ताकि दिख जाए सनातन धर्म में भी बहुत ताकत हो और सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। तो आप सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी दी देवताओं पर विश्वास रखें, कहीं भटकने की जरूरत ना, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर किसी की इच्छा को नहीं पूरी हो रही है और भगवान पर विश्वास नहीं है तो आप जाकर ही बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी से मिल सकते हैं, दावे के साथ वो आपका पर्चा बनाएंगे और आपके बिना बोले सब कुछ समस्याएं लिख दी जाएंगी और सभी आपको जो नाम है एड्रेस सब कुछ दे दिया जाएगा बिना बोले आपके, और आप भी मानने लगोगे। एक बार जाके देखिए बागेश्वर धाम। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो में आपके लिए लाते रहता हूं और विदेश की धरती में, धरती पर जाके बागेश्वर धाम महाराज जी इस टाइम क्या कर रहे हैं और कहां पर हैं, दोनों भाई भाई इस टाइम कहां हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। समुद्र की लहरों के पास बम्बई से काफ़ी दूर जो एरोप्लेन से, हवाई जहाज से गए हैं महाराज जी, उनका सफ़र कैसे रहा और कहां ठहरे हुए हैं और क्या करने गए हैं महाराज जी, पूरी वीडियो के साथ हमारे चैनल पर देखते रहिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर सबसे पहले वीडियो लाते हैं और वीडियो अपडेट आपको देते रहते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। मिलता हूँ अगली वीडियो में।